स्टीम आयरन कैसे यूज़ करता है। हमारा पास तीन आइटम का स्टीम आयरन है। तो दोस्तों एक बॉयलर है और दो सादा स्टीम आयरन है। तो दोस्तों ये है स्टीम आयरन, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये इसका ये साइड में पीतल है। तो दोस्तों इसमें जो ये कनेक्ट देख रहा है, इसमें लाइन कनेक्ट होता है और कहाँ कनेक्ट होता है आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊंगा और आप लोग अच्छा से देखना। तो दोस्तों ये जो यूज़ करता हूँ ये सूती कपड़ा के लिए, मोटा कपड़ा के लिए अच्छा प्रेस होता है। ये वाला, ये देखिए ये वाला, क्योंकि ये 5 किलो का है। तो दोस्तों इसका आपको पता चल गया, ये नॉर्मल कपड़ा होने से, लेडीज़ कपड़ा होने से ये ख़राब भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इसको साइड करता हूँ। ये दूसरा ये भी यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों इससे भी हम यूज़ करते, ये जो ये इधर ये दाग हुआ है इसका, ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम चेंज करना पड़ता है। ये एल्युमिनियम चेंज करने से क्या होता है, आपको यहाँ ये दाग नहीं होगा। अभी इसका एल्युमिनियम पूरा डैमेज हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा दाग हुआ है। तो दोस्तों हम इसको यूज़ करता हूँ, ये भी 5 किलो का बराबर है। और दोस्तों ये जो वायर देख रहा है, एक लाइन का साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। और दोस्तों ये अपना से परचेज करना पड़ता है, लंबा भी ले सकता है छोटा भी ले सकता है। तो दोस्तों हम ये यूज़ करता हूँ। दो नंबर स्टीम आयरन आपको दिखाया और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करना। और इसको प्रेस करने के लिए थोड़ा ताकत भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा भारी है ना, और प्रेस भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा एकदम इधर में टेबल में कपड़ा डाला, कपड़ा के नीचे पॉन्स डाला, डाल के इसको मैं प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी कर सकता है। इसका रेट है 5,000-4,500 ऐसा रेट है। लगभग 5,000 का अंदर में अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो बैक साइड में ऐसा है, ये आप चेंज कर सकता है और इधर में ये लाइन कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों हम अभी दो किस्म का आपको स्टीम आयरन दिखाया, और कमेंट ज़रूर करना और आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं ये भी बताना। अभी मैं ये यूज़ करता हूँ और दोस्तों इसको किस तरह किया मैं वो देखो। इधर से वायर जमा करके इधर जमा किया, देखा, और इधर से ये स्विच है, ये स्विच में इस प्लग में लगा के यूज़ करता हूँ। आप लोग भी यूज़ कर सकता है। और दोस्तों ये जो आयरन है कुछ इस तरह से है, देखिए नीचे का साइड इस तरह से है और आप लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ। और उसका प्रोसेस ऐसा है, वो देखिए इस तरह से है। और दोस्तों सेकेंड वाला जो है इसका प्रोसेस इस तरह है। ये फर्स्ट वाला को आपको दिखाया ना, इसका ऐसा कंडीशन है। आप यार में यार यहाँ ये प्लग लगा सकता है, ये जो प्लग है ये प्लग आप यहाँ लगा सकता है, यहाँ लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने दो आइटम का आपको दिखाया, अभी एक आइटम का दिखाना है, वो देखिए दोनों इस तरह है। आप लोग कैसा यूज़ कर सकता है आप लोगों का पसंद है, लेकिन मैंने दोनों को दिखाया और कैसा कनेक्ट हुआ वो भी दिखाया। अरे बिजली यहाँ कनेक्ट करता है, वो यहाँ कनेक्ट करता है बिजली, और बैक साइड में इस तरह से होगा, इस तरह से ये कनेक्ट होगा। अरे इधर में लाइट जलते रहेगा तो आपको मालूम होगा जो इसमें करंट है। तो दोस्तों आपको दो किस्म का दिखाया, अच्छा लगने से शेयर करना, लाइक करना, और एक किस्म का आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये है एक किस्म, ये है स्टीम आयरन, मैं ये भी यूज़ करता हूँ और एक ऐसा यूज़ करता हूँ। और इधर में देखिए, इधर में ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है ज़्यादा करने के लिए, काम करने के लिए, और प्रेशर देने के लिए स्विच इधर है, वो देखिए ये स्विच है, देखा, इधर में ऐसा करके प्रेस करना है। और नीचे तरफ ये कवर लगाना होगा, इसको कवर लगाया हमने, ये कवर से ये सारा इधर में जैसे गर्म हवा है, गर्म हवा आएगा। तो दोस्तों इसका एक लाइन का है, एक लाइन बिजली आने के लिए है और एक गैस आने के लिए है, मतलब जो गर्म पानी का जो गैस है इसमें आएगा, इसमें कनेक्ट होगा। तो दोस्तों एक ये इस तरह से एक दिखाया,
तीन आइटम का मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको दिखाया। और इसको कैसे कनेक्ट किया आपको दिखाता हूँ। ये जो देखा दोस्तों, ये इधर ऐसा स्टैंड रहेगा, उस स्टैंड में मैंने ये आगे पीछे होते रहेगा। देखा आपने, इसको आगे पीछे होते रहेगा। और इस आयरन का जो कनेक्ट है वो है, इसको प्लग में लगा के, ये स्टीम आयरन कहता है। और स्टीम आयरन का कंडीशन ऐसा है, ये जो देखा है इधर में स्विच है, इधर में मीटर है। और दोस्तों स्टीम आयरन का और नीचे जो ये स्विच है, इसमें पैर में लगाना है ऐसा। देखिए, देखा इस तरह है। और इधर में भी स्विच है, तीन बटन है इधर में भी। और इस तरह से टेबल है, और इस तरह इसको रख के मैं यूज करता हूँ। तो दोस्तों आपको अच्छा लगने से ज़्यादा शेयर करना। और स्टीम आयरन का बारे में आपको बताया, कोट प्रेस सब कुछ हो सकता है इस तरह। वो देखिए, ये जो कोट है इसको प्रेस किया, इस स्टीम आयरन से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रेस अच्छा से होता है। देखिए, देखा इस तरह से प्रेस होगा, ये स्टीम आयरन से प्रेस किया हूँ, ये स्टीम आयरन से। आपको अच्छा लगने से शेयर ज़्यादा कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी तरह स्टीम आयरन का वीडियो भी बनाऊंगा। मैं तीन क्वालिटी का स्टीम आयरन दिखाया, आपको कौन सा पसंद है वो भी कमेंट करना। फिर मिलेंगे आपसे।